जो मेरा सवाल आत्मिक ध्यान के बारे में पूछना है जी, आत्मिक ध्यान के बारे में, अगर कोई सही इस्लामी हुकूमत हो तो उसको किस हद तक क्या किस किस्म की अदा इस्तेमाल करना चाहिए? सही इस्लामी हुकूमत को सही इस्लामी हुकूमत होने की जरूरत में, हाँ सही हो या गलत हो, हथियारों का इस्तेमाल के मुतालिक असूल ये है कि हथियार होते हैं अपने डिफेंस के लिए, बचाव के लिए होते हैं, इसलिए अगर दुश्मन के पास ज्यादा हथियार हैं तो आपको भी ज्यादा हथियार लेने चाहिए, अगर दुश्मन के पास खतरनाक हथियार हैं तो आपको भी खतरनाक हथियार अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये बुनियादी असूल है, इसमें इस्लाम गैर इस्लाम का कोई फर्क नहीं है। नहीं, आठवीं बात जो है वो तो बड़ी बड़ी बात है। सवाल ये है कि फिर डिफेंस छोड़ दें, डिफेंस क्यों कहते हैं? एडम का हथियार आप गुलेलों से करेंगे, जवाब एडम का जवाब गुलेलों से देंगे, पत्थर मार के देंगे? अगर दुश्मन के पास एटमी हथियार हैं तो आपको लाजमन एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए।